तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर जरूर क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन मिलता रहा है। दोस्तों, आज मैं एक सीरीज चालू करने जा रहा हूँ, जिसमें हर पेंशन के बारे में आपको मैं बताते रहूँगा, इन्फॉर्म करते रहूँगा, जिससे कि आप समझ सकें कि ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं तो हम इसके लिए पात्र हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, तो यह योजना प्रारंभ कब की गई थी दोस्तों? 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी। इसके पात्रता के मापदंड क्या हैं? 60 एवं इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो जो आवेदक है। ये बिल्कुल ध्यान से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि एक एक पात्रता बहुत जरूरी है। 60 एवं इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा मतलब बीपीएल कार्ड के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से व्यक्ति हो। अर्हताएं क्या क्या है? मध्य प्रदेश का पहले मूल निवासी हो, आवेदक पुरुष अथवा स्त्री की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो। ठीक है, आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल कार्ड जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए, मतलब बीपीएल कार्ड होना चाहिए। सहायता कितनी मिलती है? 600 रुपये। ठीक है, ₹600 पर मंथ मिलेगी। इस प्रकार सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें। अच्छा दोस्तों, मैं इसका आवेदन पत्र भी आपको PDF रूप में इसमें कर दूंगा, जिससे कि आप आराम से PDF रूप में डाउनलोड करके प्रिंट करके आवेदन फॉर्म भर दें। ठीक है, तो मैं सारी दोस्तों आपको व्यवस्था करके दे रहा हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जैसा कि अभी मैंने लॉन्च किया है फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, तो आपको फेसबुक पेज इन पर इसके जो है निर्धारित PDF फॉर्मेट मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसके साथ क्या लगाना है? स्वयं की 3 फोटो लगाना है, बीपीएल कार्ड लगाना है उसकी फोटोकॉपी, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र जैसे आप वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगाना है। ठीक है, आधार कार्ड भी जरूर लगा दें दोस्तों, क्योंकि आजकल आधार कार्ड से लिंक है। 9 अंकों की समग्र आईडी की जरूर लगाना है, 9 अंकों की समग्र आईडी सहायता है, समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में दिखाया है किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, स्वीकृति हेतु पदाधिकारी अधिकारी कौन है? पदाभिहित अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत CEO जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम होंगे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या नगर पालिका नगर परिषद, ठीक है, CEO साहब होंगे। आवेदन निराकरण की समय सीमा कितनी है? आपने जब से आवेदन किया तब से सीमा है इसकी लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस, मतलब आपने आवेदन किया उसके 15 कार्य दिन के अंदर ही आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप यदि आवेदन करें तो आप पूछ भी सकते हैं कि 15 दिन के बाद आपको आपका पेंशन प्रकरण जो है वो स्वीकृत हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस है, इसी तरह मैं आपको हर पेंशन योजना के बारे में डिटेल में बताते रहूँगा, इसके लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों, यदि आप स्वेच्छा से कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन से कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।